नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत बीसलपुर में जो तहसील है, नगर पालिका परिषद है, 15 दिन में 3 उसमें मर्डर हो चुके हैं। आपको बताते चले, पुरानी रंजिश को लेकर ये मर्डर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपको बताते चले कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 11 कक्षा में पढ़ने वाला छात्र हिमांशु, जो अभी लापता हो गया था, उसकी लाश जो उसकी डेड बॉडी है, बुदुरिया के जंगल में नहर से बरामद हुई है। आपको बताते चले, पूरा मामला उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत के बीसलपुर का है, जहां नंगरी भड़रिया गांव है, एक भड़रिया उस गांव का रहने वाला हिमांशु, जिसके पिता का नाम हेमराज है, उन्होंने 10 तारीख को गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जो किराए के मकान में पटेल नगर में रहता था, वहां साइकिल खड़ी कर गायब हो गया था। जब उनके पिताजी ने तलाश किया तो कहीं पता नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस पर, थाने में कोतवाली में उसके पिताजी ने, तब उसके जो हिमांशु के 2 दोस्त थे, वो बरेली जिले के भोता थाना क्षेत्र के जो वहाँ का गांव है एरोला, वहाँ के रहने वाले थे, जिनका नाम था विजय और विकास। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। मामला क्या हुआ दोस्तों, आपको बताते चले, 20,000 रुपये के लेन देन में एक मासूम की जान चली गई, क्योंकि उसकी माँ ने 20,000 रुपये, हिमांशु की माँ ने 20,000 रुपये उनके दोस्तों को उधार में दिए थे, जो बार बार रुपए हिमांशु मांग रहा था, तो ना देने पर हिमांशु की कर दी हत्या। दोनों लोग विजय और विकास हिमांशु को लेकर दुरिया जंगल में, वहाँ उन्होंने उसका गला दबा दिया और उसका शव नहर में फेंक दिया। जब मौके पर पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया, और कबूल करते हुए दोनों ने बताया कि मैंने 20,000 रुपये के चक्कर में इसकी हत्या की है। और फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके परिवार में रो रो कर बुरा हाल है, कोहराम मचा हुआ, क्योंकि उसकी 3 बहनें हैं और एक भाई था जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत बीसलपुर के गांव भड़रिया का ये मामला है, जहां परिवार में रो रो कर कोहराम मचा हुआ है, जिसमें सबकी आँखें नम थी। मेरा उद्देश्य इस घटनाक्रम को सुनाने का नहीं था, मगर मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। जहाँ भी रहो, जागरूक रहो, सतर्क